Hey guys, what's going on everyone? आपका स्वागत है वॉच रियल के एक और वीडियो में। तो गाइस, मिस मार्वल फाइनली डिज्नी प्लस पे आ गया है। इवन दो इसके लिए ज्यादा लोग एक्साइटेड नहीं थे, बट स्टिल ये सीरीज ऑडियंसेस के लिए वन ऑफ द मोस्ट रिलेटेबल सीरीज होने वाला है, एंड एपिसोड 1 ने ही इसे प्रूफ कर दिया है। सो चलिए एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो गाइस, एपिसोड स्टार्ट होता है कमाला खान के फैनिज्म के साथ, जहां हम देखते हैं कि वो हमारे जैसे मार्वल के सुपर हीरोज के कितनी बड़ी फैन है, स्पेशली बोला जाए तो कैप्टन मार्वल की। लाइक उसके पूरे रूम में मार्वल के पोस्टर्स, फैन आर्ट्स लगे हुए हैं। देन करेंटली वो एक फैन फिक्शन यूट्यूब सीरीज भी बना रही है, एंड यहाँ कमाला खान के चैनल से मैं रिलेट कर सकता हूँ। एंड यहाँ ये पता चलता है कि कमाला खान लाइक मोस्ट ऑफ अस अपनी फैंटेसीज में हर टाइम खोई रहती है, बट ऑब्वियसली ये चीज उसके स्कूल एंड सोशल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। देन हम कमाला के पेरेंट्स से मिलते हैं, जो कि एक टिपिकल एशियन फैमिली होती है, लाइक एक सुपर कॉशियस मदर, एक सपोर्टिव फादर एंड एक केयरिंग सिबलिंग। देन हम देखते हैं कि इसी दिन कमाला का एक ड्राइविंग टेस्ट होता है, जिसमें कमाला बहुत अच्छी तरह से फेल हो जाती है, एंड इसमें कमाला के पेरेंट्स ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को ही ब्लेम करते हैं। एंड यहाँ हमें उर्दू सुनने मिलता है, इनफैक्ट ऑल थ्रू आउट द एपिसोड हमें हिंदी में कन्वर्सेशन एंड वर्ड सुनने मिलते हैं, जो कि मुझे बीच बीच में ये लग रहा था कि मैं सही में मार्वल सीरीज देख रहा हूँ या कुछ और, एंड सही में ये रिलेटेबल तो था ही, एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट। देन हमें कमाला का स्कूल लाइफ देखने मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि कैसे कमाला सबसे थोड़ी डिफरेंट है, एंड उसे सब वैसे ही डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। बट फॉर्चुनेटली कमाला के तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, ब्रूनो एंड नाकिया, जो हमेशा उसके साथ रहते हैं एंड एक दूसरे से सब कुछ शेयर भी करते हैं। एंड यहां मुझे मैट लिंड्स के ब्रूनो का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। देन हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, लाइक जोई जो कि अभी तक एक बुली लग रही है। देन मिस्टर गेब, जो कि कमाला को बताते हैं कि कैसे उसके फैंटेसीज उसकी स्टडीज को अफेक्ट कर रहे हैं एंड उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। देन हमें पता चलता है कि कमाला ने बहुत दिन पहले से ही एक फैन इवेंट अवेंजर कॉन में जाने का प्लान कर रखा है ब्रूनो के साथ, जिसके लिए उसने अपने पेरेंट्स से झगड़ा भी कर लिया, बट ऑफकोर्स उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। सो ये थोड़ा उसे डिप्रेस कर देती है कि शायद हाँ, ये उसी की ही गलती है कि वो सबसे डिफरेंट है। लाइक गाइस, यही सबसे रिलेटेबल है कि लाइक कमाला भी हमारी तरह एक टीनेजर है, जिसके लाइफ में फैमिली इश्यूज हैं, मेंटल इश्यूज हैं, एंड कभी कभी ना चाहते हुए भी वो अपने पेरेंट्स को हर्ट कर देती है। इसके लिए वो सोचती है कि वो सिर्फ अपनी फैंटेसीज को छोड़ना होगा, बट यहाँ ब्रूनो उसे समझाता है कि तुम कमाला खान हो, एंड अगर तुम चाहती हो एक सुपर हीरो बन के दुनिया को बचाना, तो तुम वो कर सकती हो, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। एंड इसी के दौरान हमें शो के बहुत क्रिएटिव एनिमेशंस भी देखने मिलते हैं, लाइक वॉल्स के ऊपर, देन रास्ते पे और ग्लास पे उनकी चैटिंग भी होती है, जो कि सही में ब्यूटीफुल था। फिर हम देखते हैं कि कमाला कुछ भी करके प्लान बनाती है कि वो एवेंजर कॉन में भी जा सके एंड उसके घर वालों को पता भी ना चले। तो अब बात आती है कॉस्प्ले की, तो रूल है कि उसे कॉस्ट्यूम के साथ उसका भी कुछ अपना यूनिक पहनना होगा। सो वो क्या करती है कि कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम के साथ वो अपनी नानी का एक बैंगल भी ले लेती है। देन कमाला और ब्रूनो अपने प्लान के हिसाब से एवेंजर कॉन में जाते हैं, बट वो अपने स्केड्यूल के टाइम से थोड़ा पीछे चल रहे होते हैं। देन वहां पहुंचने के बाद हमें बहुत से कॉस्प्लेयर्स देखने मिलते हैं, एंड आल्सो वहां जोई भी आई हुई होती है। देन कमाला भी अपना कैप्टन मार्वल का कॉस्ट्यूम पहन के रेडी हो जाती है, एंड देन जब वो अपने बैंगल्स को पहनती है तो उसे एक कॉस्मिक एनर्जी फील होता है अपने बॉडी के चारों तरफ। देन वहीं स्टेज पे ही गलती से वो अपने बैंगल्स से कॉस्मिक एनर्जी रिलीज कर देती है, जिसके लिए वहां जल्द ही केओस चालू हो जाता है। एंड देखते ही देखते जो ये बड़े से म्योनीर के पर झूला झूलते दिखाई देती है, बट कमाला उसके बैंगल्स की मदद से एक जायंट हैंड बनाती है और उसे बचा लेती है। एंड उसी के बीच कमाला एंड ब्रूनो वहां से निकल आते हैं, एंड दोनों ही शॉक्ड होते हैं लाइक कैसे हुआ और क्या हुआ। देन जब कमाला घर पहुंचती है तो ऑब्वियसली लेट हो चुका होता है और उसकी मदर उसी के ही रूम में वेट कर रही होती है, एंड बोलती है कि उसे अपने फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आना होगा एंड रियलिटी में जीना होगा। बट अब तो उसे कॉस्मिक पावर्स मिल चुके हैं, तो उसकी फैंटेसी ही उसकी रियलिटी बनने वाली है। देन गाइस, एपिसोड के एंड में हमने एक पोस्ट क्रेडिट भी देखा, जिसमें हमने डैमेज कंट्रोल के एक एजेंट को देखा, जिसको स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था। सो डोंट मिस दैट, एंड आई थिंक अगले एपिसोड में डैमेज कंट्रोल भी इंटरफेयर करने वाली है, क्योंकि उन्हें कमाला के पावर्स के बारे में अब पता चल चुका है। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, एंड आगे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स एंड ब्रेकडाउंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, एंड मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।